इस योम शरीफ के सदके में हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर से बेहतर फरमाए। और दूसरा क्या करनी है कुर्बानी, तो आप सब जानते हैं ना कि अदा करना मुस्तहब है ना, क्या क्या है नमाज ईद अदा करना। हमें ये बताया है एक तो नमाज ईद अदा करनी है और दूसरा काम कुर्बानी करनी है, क्या क्या अदा। तमाम सुकान रियासत को और जो भी मुझे देख रहे हैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप समझते ही हैं कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का जिसमें कुर्बानी भी की जाती है, और वो सिलसिला नहीं हो सका क्योंकि ईदगाह के अंदर या जो बड़ी मस्जिद हैं उनमें वो बड़ा इज्तिमा नहीं हो सका, कम ही लोगों ने नमाज ईद अदा की देहातों में या जो मुतअद्दिद मकामात के ऊपर नमाज ईद अदा की गई है। और कोरोना ने हमारी जान नहीं छोड़ी है क्योंकि अब भी हमें ज़रूरी है कि इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें और लोग अमल कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद करने की भी ज़रूरत है। इसमें हम सब को बेदार रहने की ज़रूरत है। आज के दिन सारे मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए दुआ की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह अमन की बहारें कायम करें।